तो फ्रेंड ये है मेरा फ्रिज, और ये फ्रिज 13-14 साल पुराना है, और ये पता नहीं शायद 4 स्टार या 5 स्टार था, मुझे याद नहीं है, लेकिन काफी पुराना है। इसके स्टिकर भी निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं मेरा फ्रिज। और हम लोग घर में 4 लोग हैं, तो 4 लोगों के लिए काफी सफिशियंट है। हमें अभी बड़ा फ्रिज लेने की अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी है, अभी ये हमारा फ्रिज काफी हेल्प कर रहा है हम सबको। तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज किया है। तो फ्रेंड्स अगर कहीं आपको थोड़ा बहुत दाग धब्बे या कुछ मिलेंगे तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये काफी पुराना है और हमारा ट्रांसफर वाला जॉब है, तो ये काफी अप एंड डाउन भी हुआ है, काफी जगहों पे ये चढ़ा है उतरा है, तो उसके कारण थोड़ा बहुत तो दाग धब्बे होते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फ्रिज टूर। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं सपना सिंह और आप देख रहे हो होम मेकर। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन को, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं अपना फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स ये है मेरा फ्रिज, और मैं अपने फ्रिज के ऊपर सारे, आप देख सकते हैं कि मैंने सारे अपने मसाला रखा है, क्योंकि मुझे किचन में वही डेकोर ज़्यादा पसंद आता है, जिससे मुझे हेल्प भी हो जाए और जिससे मेरा किचन भी काफ़ी सुंदर लगे, तो मैं वैसे ही डेकोर पसंद करती हूँ। हाँ थोड़ा बहुत जैसे कि मैं फेरी लाइट वगैरह वो सब थोड़ा बहुत मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा सबसे फ्रिज के टॉप का मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा। तो ये देखिए, तो इसके ऊपर मैंने रखा हुआ है अपनी चाय, और ये मेरी ग्रीन टी है, जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ, तो ये ग्रीन टी है। और शायद उल्टा ओपन हो चुका है मुझे जैसा कि लग रहा है, तो ये देखिए ये मेरी ग्रीन टी है, मैं इसके ऊपर ग्रीन टी रखती हूँ। एक कॉफ़ी आप देख सकते हैं, तो ये मेरा कॉफ़ी पैक्ड है इसलिए ऊपर रखा हुआ, जब मैं ओपन करती हूँ तो मैं फ्रिज में डाल देती हूँ। और इधर एक चाय पत्ती रहती है, और इधर सारे आप मेरे ऑर्गेनिक मसाले देख सकते हैं। इसको मैंने इसलिए पैकेट में रखा हुआ क्योंकि मैं इसको आराम से निकाल लेती हूँ और फिर इसे इसी में डाल देती हूँ, तो इसमें जिप लगे हुए हैं जो कि अच्छी तरह से टाइट लग जाते हैं और वो खराब भी नहीं होते। और मुझे मसाला फ्रिज में रखना बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि फ्रिज को बिना मतलब का लोड देना होता है, बाहर मसाले बिल्कुल खराब नहीं होते, 6 मंथ तक तो बिल्कुल नहीं खराब होते हैं। और मैंने यहाँ पे गरम मसाला रखा हुआ है, यहाँ पे सारे जितने भी आप मसाले देख रहे हो मेरे सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं, आप देख सकते हो, तो सारे ऑर्गेनिक हैं। और इधर भी आप मसाला देख सकते हो, तो ये मेरे मसाला ऑर्गेनिक नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई ब्रांड का कोई मसाला बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो उसको मैं इधर रख लेती हूँ। तो ये मेरे फ्रिज का आप ऊपर का टॉप पे देख सकते हो कि कैसे मैंने इसे डेकोर किया है। और फ्रेंड मैं हनी जैम और पीनट बटर मैं बिल्कुल फ्रिज में नहीं रखती हूँ, ये बाहर मेरे अच्छे से रहते हैं और काफ़ी चलते हैं, तो मुझे उसे डाइनिंग टेबल पर रखना ज़्यादा पसंद है। और अगर आप मेरा डाइनिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। ये मैं अपने फ्रिज को ओपन करती हूँ, और चलिए मैंने फ्रिज को ओपन कर लिया है, तो चलिए ये देखिए, तो मैं आपको एक ओवरव्यू अपने फ्रिज का दिखा दूँ। तो चलिए फ्रीजर में देखते हैं क्या है। तो फ्रीजर में ये देखिए, मेरी बेटी ने ये आइसक्रीम मोड में डाल के जमने के लिए रखा हुआ है, तो अभी शायद ये जमी नहीं है, तो ये एक आइसक्रीम का मोड है। और इधर मैं अपने आइस रखती हूँ, इधर आइस देख सकते हैं, और इसमें मैंने अभी मैंगो का सीजन चल रहा है तो इधर मैंने मैंगो आइसक्रीम जमने के लिए दिया हुआ है। तो ये मेरे फ्रीजर में रहता है। फ्रोजन हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं फ्रोजन वाली चीज़ें, और मटर वगैरह भी यूज़ नहीं करते, हम लोग सीजनेबल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मेरे फ्रीजर में आपको वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये मेरा फ्रीजर है। तो चलिए उसके बाद हम नीचे वाला पार्ट खोलते हैं। तो नीचे वाले पार्ट में ये देखिए, ये यहाँ पे बटर रखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स हैं और कुछ चीज़ वगैरह रहते हैं जो कि अभी नहीं है, तो इसमें यही सारा सामान मेरा रहता है, चॉकलेट्स चीज़ बटर, बट चीज़ अभी नहीं है, बटर है सिर्फ। तो चलिए उसके बाद हम आते हैं ये वाले पे,
ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस पे मैं जो खाना प्रिपरेशन करती हूँ, जो बनाती हूँ, उसके लिए जो भी चीज़ ज़रूरत होती है वो मेरे ये वाले पे रहता है, इस रैक पे रहता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस रैक पे मेरा क्या क्या रखा हुआ है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या रखा हुआ है। तो ये देखिए, इसमें मैंने पनीर रखा हुआ है जो कि मैं इस वीक बनाऊंगी, तो वो मैं पहले से प्रिपरेशन करके रख देती हूँ। तो ये मेरा इस पर पनीर रखा हुआ है। उसके बाद आप ये देख सकते हो, इसमें काबली चना रखा हुआ है, क्योंकि ये भी इसी वीक बनाऊंगी तो सारे मैं यहाँ पे करके रखती हूँ। उसके बाद आप ये देख सकते हो, ये दाल है, मुझे सांभर बड़ा बनाना है, उसके लिए मैंने उड़द दाल को अच्छे से ग्राइंड करके इसमें रखा हुआ है। उसके बाद ये जो अंदर वाले पोर्शन है, इसमें मैंने इस पे मैंने काला चना रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारे मेरे वीकली जो भी होते हैं उसको मैं इसमें पहले से प्रिपरेशन करके रख देती हूँ। मैं ग्रीन वेजिटेबल्स को कभी भी कट करके नहीं रखती, बस ये सब मैं रखती हूँ। और इसमें मैंने रखे हैं, ये देखिए आप, इसमें मैंने बादाम, किशमिश और आलमंड को मैं अच्छे से पानी में फुला के और इसमें रख देती हूँ खाने के लिए। मॉर्निंग में खाती हूँ इसे, तो हम चारों खाते हैं, तो इसको मैं इसमें फुला के अच्छे से फ्रिज में रख देती हूँ। अब हम आते हैं सेकेंड वाले रैक पे। तो इस पे मेरा एक ब्रेड रहता है, ये ब्रेड मैं यहाँ पे एक ब्रेड रखती हूँ, और इस पे सारे मेरे जो भी डायरी के आइटम्स होते हैं वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो इसमें मेरा दूध है, उधर मेरी दही रखी हुई है, और इसमें मेरा घी है, आपको मैं दिखाती हूँ। और इसी में मैं मलाई भी रखती हूँ, पर कल मैंने रात को ही घी बना लिया था तो मलाई मेरे पास नहीं है। तो ये देखिए, तो मेरी मलाई देखिए कितनी अच्छी होममेड मलाई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे इसे बनाया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे घी घर पे बनाया है। और यहीं पे मेरा मलाई रहता है, तो मलाई मैंने रात में ही घी बना ली, तो यहाँ पे मेरी मलाई नहीं है रखी हुई। और हम तीसरे पे आते हैं, ये रैक नहीं है, ये जो नीचे वाला, ये जो रहता है इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है तो वही है। तो और इसके ऊपर मैंने आपको दिखाया नहीं, एक सेकेंड। तो इसमें मैं रखती हूँ नींबू और मिर्चा और अदरक, तो अदरक अभी नहीं है, तो इसमें मेरा वही रहता है और इजी होता है कैरी करने में। और उसके बाद ये वाले पोर्शन में, यहाँ पे हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे मेरा लेफ्टओवर फूड रहता है। ज़्यादा मेरे पास लेफ्टओवर आपको नहीं मिलेगा, जब कुछ अच्छी चीज़ें बनती हैं, मीन्स अच्छी चीज़ें कहने का मतलब है कि जैसे हम 15 डेज में 1 मंथ में बनाते हैं तो वो थोड़ा बहुत बच जाता, तो वही है। तो उसमें मेरी इडली है और इसमें मेरी चटनी है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये चटनी रखा हुआ है। मेरा फ्रिज काफ़ी छोटा है तो थोड़ा सा मीन्स दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, कैरी करने में कोई भी सामान प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा वीडियो बनाते समय थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये देखिए, ये इडली है। तो ये वाले में मैं लेफ्ट ओवर हमेशा इसी में रखती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि मुझे पता रहता है कि इसी बास्केट में मेरा लेफ्ट ओवर रहता है, तो जो भी होगा मेरा यहीं पर मिल जाएगा। नहीं तो कभी कभी फ्रिज में इधर उधर घुस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं और फिर वो मिलते नहीं है, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है और फिर वो ख़राब भी हो जाते हैं। इसकी एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब अगर आपको इधर की कुछ सामान लेना है या कुछ भी लेना है तो आप उसको इधर से इधर कर सकते हो, ये मुझे इसलिए बहुत पसंद आया। और इसमें मेरे रहते हैं सारे फ्रूट्स, आप देख सकते हो, क्योंकि अभी फ्रूट्स आम का सीज़न है तो इसलिए इसमें सारे मेरे आम रखे हुए हैं, क्योंकि अभी आम खाना यम्मी बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें मेरे फ्रूट्स सारे रहते हैं। इस वाले में मेरे वेजिटेबल्स रहते हैं, तो ये आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा बड़ा नीनुआ है, तो पॉसिबल नहीं है कि इसको मैं किसी कैरी बैग में या किसी भी में रखूं। और ऐसे जो आते हैं, आप देख सकते हो ब्राउन पेपर के जो ऐसे पैकेट्स बन के आते हैं, तो इसमें मैं अपने सारे छोटे छोटे सब्जी जो भी होते हैं, पटल वगैरह, वो इसमें मैं रख देती हूँ। और बड़े बड़े जो सब्जियाँ होते हैं वो तो बस ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े तो रख नहीं सकती हूँ ब्राउन पेपर के बैग में। तो ये है मेरा नीचे का सेक्शन, आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं डोर वाले सेक्शन में।
इधर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा है। तो इधर मैंने लहसुन को देखिए, मैंने इसको पील करके रखा, क्योंकि खाना बना जब बनाती हूँ तो जल्दी जल्दी होता है, तो इसमें मैं लहसुन रखती हूँ। और इसमें भी मैं लहसुन ही रखती हूँ, बट ये अभी खाली है तो मैं इसी में रख देती हूँ। और ये आइसिंग शुगर है जो कि मैंने कॉफ़ी वाले कंटेनर में रखा हुआ है, तो इसमें मेरी आइसिंग रहती है। और इधर मैंने कॉफ़ी रखा है, जब मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं कॉफ़ी अगर उसको ओपन कर देती हूँ तो मैं उसको फ्रिज में ही रखती हूँ। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये ओपन है तो इसलिए मैं इसमें ही रख देती हूँ। और इधर मैंने रखा एक देख सकते हैं कस्टर्ड पाउडर, वो भी मैं फ्रिज में रखती हूँ। और इधर मैं कॉर्नफ्लोर बाहर ख़राब हो जाता है इसलिए मैं इसमें रखती हूँ। और इसमें मैंने रखा हुआ है हींग, ये मैं वैष्णो देवी गई थी तो वहीं जम्मू से लाई थी, तो इसलिए मैंने इसको फ्रिज में रखा है। उसके बाद डोर के दूसरे वाले सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पे सारे सॉस वगैरह जो भी होते हैं वो सारे सॉस रखे हुए हैं। तो सबसे पहले टोमेटो सॉस रखा हुआ है, फिर सोया सॉस रखा हुआ, दो वेनेगर रखे हुए हैं और चिली सॉस रखे हुए हैं। और थर्ड वाले पे हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे एक नॉनी जूस रखा हुआ है और एलोवेरा जूस रखा हुआ, ऑलमोस्ट ये ख़त्म ही हो चुका है तो मैं दूसरा इसमें रख दूंगी। और इधर मैं रखा हुआ एक चॉकलेट सॉस, और इधर मैंने पहले ही बताया कि आपको मेरे फ्रिज में मैंगो मैंगो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि अभी मैंगो का सीजन चल रहा है। तो इधर मैंने एक रखा हुआ है मैंगो शेक बना के, तो ये मेरा थर्ड वाला है। और मैं मसाले वगैरह आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं नहीं रखती हूँ ज़्यादा फ्रिज में, क्योंकि ज़्यादा भी फ्रिज को अगर हम पूरे अच्छी तरह से भर देते हैं तो फिर वो कूलिंग होने में बहुत प्रॉब्लम होता है और इसे भी सांस लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है ऐसे करके। तो ये मेरा एक आपको मैं अपने फ्रिज का एक ओवरव्यू देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड, ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।